बल्ले के साथ जो हीरो थे मेरे हिसाब से वो थे डेब्यूटेंट ईशान किशन। बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंट है, फ्रीडम दिखा और आई थिंक बड़े अच्छी एनवायरनमेंट में वो आए हैं जहां पे उनको ऐसी मैनेजमेंट, ऐसा कप्तान मिला है जो कि नॉन स्ट्राइकर्स से तालियां बजाता है उनकी हर शॉट पे, और उनको कहा एक तरह से लाइसेंस दिया गया है कि हम अब अपनी रुख जो है वो बदल रहे हैं बैटिंग का, आप जाइए और हमें चौके छक्के मार के दिखाइए। और विराट कोहली ने क्या खूब मिला, सजाया और लूटा, शानदार फॉर्म में दिखे, मगर भारत के पास विनिंग मोमेंटम है और क्या लाजवाब बाउंस बैक दिखा उनकी तरफ से। दो ही दिनों में चीजों पे काबू पा लिया और अपनी गलतियों से सीखा, जो कि एक ग्रेट टीम करती है। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन की इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। उन्होंने बांग्लादेश के होम ग्राउंड के अंदर डबल सेंचुरी स्कोर की, इनका साथ विराट कोहली ने पूरा पूरा दिया, इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया जिन्होंने 140 गेंदों पर डबल सेंचुरी स्कोर की थी। ईशान किशन जिन्होंने 214 रन की नाकाबिशकस्त इनिंग्स खेल ली, भारत की जीत में अहम करदार अदा किया। ईशान किशन जो कि भारतीय बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, इन्होंने आज साबित कर दिया कि वह दुनिया क्रिकेट के वाहद बैट्समैन हैं जो कि ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ इनके ही गुण और इनकी बातें ही हो रही हैं। खसूसी तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच रमीज राजा ने भी इनकी तारीफों के फूल बांध दिए।